हम लोग पैरेलल के अंदर हम लोग P4 भी करते रहे, दो क्लासेस के अंदर हम लोग अपना P3 अपना कैरी ऑन कर ले, और एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास में लगा देता हूँ ताकि उसके अंदर P4 की प्रैक्टिस अलग से करते रहेंगे। डन हो गया, डन है। 9 तारीख मतलब मुझे वो दिखाओगे शीट तो याद आएगा वो। अच्छा मुझे पहले तो ये बात बताएं, किसी एक बार क्लास लेक्चर सारे फोन में नहीं, वैसे लेक्चर कॉपी किए में आरपीएन किया था हम लोगों ने, आरपीएन किया ना, आरपीएन बस बस सही है, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं मुझे क्यों चाहिए, लेटेस्ट तो DNF किया था लास्ट क्लास में, मुझे याद है। ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज, और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसलेटर्स के बाद हम लोगों ने आरपीएन किया, आरपीएन के बाद हम लोगों ने बीएनएफ करा है, दैट्स इट। ओके अब बच्चों हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देखिए सारे चैप्टर ही होते हैं, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है P3 का जो बच्चों को जिंदगी कंफ्यूज कर देता है, आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों की जिंदगी को घुमा देगा, पब्लिक की प्राइवेट की, पब्लिक की प्राइवेट की, कहां पे पब्लिक है कहां प्राइवेट है, कहां पब्लिक है कहां प्राइवेट है, आप लोग को पागल कर देता है ये चैप्टर, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या करा, ऑफकोर्स आई स्पेंड फ्यू टाइम 2016 में मैंने पढ़ा रहा था, पहले तो मैंने पढ़ाता रहा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड करा नहीं बच्चों के लिए भाई एक आसानी होनी चाहिए, तो व्हाट आई डिड, मैंने बच्चों इस पूरे चैप्टर को कन्वर्ट कर दिया इमेजेस के अंदर। अब वो मैंने क्या करा, हर इमेज के, हर टॉपिक की मैंने एक इमेज डायग्राम बच्चों करवा लिया, उस इमेज के अंदर पूरे स्टेप्स बता दिए, पहले ये होगा फिर 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 ये होगा एंड सो ऑन। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों 4 मेजर टॉपिक्स है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, द नेक्स्ट विल बी बच्चों डिजिटल सिग्नेचर्स, द थर्ड वन बच्चों विल बी डिजिटल सर्टिफिकेट्स, एंड द फोर्थ वन बच्चों इज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो ये 4 चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ब्रेक करा हुआ है डायग्राम्स की फॉर्म के अंदर, हम क्या करेंगे पूरे चैप्टर को कवर अप कर लेंगे, starting with our first topic and this is called encryption. Let's start. So when encryption बच्चों हमारे पास दो तरह की होती है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन,
एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन होती क्या है बच्चों हमारे पास? सेंडिंग डेटा इन अ कोडेड फॉर्म। जब आप लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हो बच्चों कोडेड फॉर्म के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन की दो टाइप्स होती है। पहले बात करते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के बारे में। बिल्कुल, ये बेसिक एनक्रिप्शन होती है बच्चों। तो आपके पास सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, यू आर हैविंग वन सेंडर एंड यू आर हैविंग बच्चों वन रिसीवर। बिफोर द सेशन स्टार्ट्स आपका सेंडर बच्चों एक की सेंड करता है, एक की ट्रांसमिट करता है रिसीवर को यूजिंग अ सेपरेट चैनल। एक सेपरेट चैनल के अंदर वो की सेंड करता है बच्चों रिसीवर को। अब क्या होता है, सेंडर साइड पे आपके पास होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट बच्चों क्या होता है, दिस इज योर ओरिजिनल डेटा। तो ओरिजिनल डेटा को आप लोग क्या कहते हो, प्लेन टेक्स्ट कहते हो, ओरिजिनल डेटा। प्लेन टेक्स्ट के अंदर बच्चों आप लोग ऐड करते हैं एक की, और बच्चों आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, दिस इज योर एनक्रिप्टेड डेटा। This is your encrypted data. Encryption होती क्या है, बड़ा एक सिंपल आप लोगों का, वैसे तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग अब A2s में बैठे, लेकिन कुछ बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट अनक्लियर है, 2 किलो आप और शामिल जो है वो आगे के बिल्कुल लगा कि भाई शायद फादर एंड सन बात कर रहे, भाई दो क्यों हुआ होंगे वो, इसी बात पे डिस्कनेक्ट की हो गया बोला, ये चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। वैसे आजकल इंटरनेट काफी तंग कर रहा है। नहीं नहीं, इसका सर्दी से क्या, किसको ठंड लग जाएगी भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ज़ोम यूज कर रहे हैं हम लोग, 2 डिवाइसेस लगी हुई है ज़ोम की, एक नहीं चल रही।
ओके जी। हाँ तो बच्चों अगर आपका सिग्नल जो है वो तो बच्चों क्या हुआ सिग्नल ट्रैप कर लिया उसको लगेगा फादर एंड सन बात कर रहे हैं तो बच्चों लेकिन इसका एक्चुअल के अंदर मैंने अपना डाटा जो सेंड करा था वो कोडेड फॉर्म में सेंड करा था इसका मतलब है 2 बजे ब्लास्ट कर देना ठीक है। तो बच्चों क्या होता है अगर कोई हैकर या कोई बंदा कोई थर्ड पर्सन आपका मैसेज रीड भी कर ले तो बच्चों वो उसको समझ में नहीं आता आप लोग क्या करते हैं कोडेड फॉर्म में अपने डाटा को क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। तो ओरिजिनल डाटा बच्चों प्लेन टेक्स्ट कहलाता है आपने इसके अंदर की ऐड करी की बच्चों जितनी ज्यादा बिट्स होंगी फॉर द की मोर बिट्स फॉर की बच्चों मोर सिक्योर योर डाटा विल बी जितनी ज्यादा बिट्स फॉर द की उतना ज्यादा आपका डाटा क्या होगा सिक्योर रहेगा। एंड फिर आप लोग बच्चों साइफर टेक्स्ट सेंड करते हैं टू द रिसीवर ये साइफर टेक्स्ट के अंदर अगेन आपका रिसीवर ऐड करता है द सेम की और बच्चों आपको क्या ऑब्टेन हो जाता है आपको अगेन ऑब्टेन हो जाता है योर प्लेन टेक्स्ट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों डिक्रिप्शन एंड द फर्स्ट पार्ट बच्चों वॉज कॉल्ड एनक्रिप्शन एंड दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन दिस वॉज बच्चो द होल प्रोसेस ऑफ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन आई थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है सिंपल सा था सेंडर ने पहले की सेंड कर दी एक सेपरेट चैनल के थ्रू फिर आपके पास ओरिजिनल डेटा को आप लोगों ने क्या करा की उसके अंदर एड करी आपको साइफर टेक्स्ट मिल गया आपने बच्चों क्या करा साइफर टेक्स्ट सेंड कर दिया रिसीवर ने साइफर टेक्स्ट के थ्रू सेम की के थ्रू उसको क्या करा डिक्रिप्ट कर लिया और अगेन ऑब्टेन द प्लेन टेक्स्ट एट द रिसीवर एंड। अब आप लोगों को यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम साइफर ये आपकी बुक में छोटा सा एक साइड में टर्म दिया हुआ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्ट्रीम साइफर क्या होता है जब आप लोग एक एक बिट को एनक्रिप्शन अप्लाई करें एक एक बिट के ऊपर अगर आप लोग एनक्रिप्शन अप्लाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम साइफर। की एल्गोरिथम होता है एक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जितने भी आपके कैरेक्टर्स है ना की एड होने के बाद उनकी एक्सी वैल्यू उसके अंदर प्लस 10 हो जाएगा तो अगर ए की वैल्यू 65 है 75 हो जाएगी एंड सो ऑन। अब रिसीवर को पता ही नहीं 75 क्या है किस तरह क्या आपने अप्लाई किया है हम रिसीवर को तो बता देंगे ना कि हाँ है अगर उसको नहीं पता कि एक्स कोड क्या है तो इस तरह की कीज हम लोग एल्गोरिथम होते हैं हमारे पास। तो बच्चों एवरी बिट इज एनक्रिप्टेड तो भाई स्ट्रीम साइफर में क्या होता है हर बिट को हम लोग क्या करते हैं एनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर के अंदर क्या होता है वी क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ bits generally the size of the block bachcho is 128 bits and that block is encrypted Now moving forward, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे रिगार्डिंग asymmetric encryption. Again, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं यहाँ पे asymmetric encryption की उस डायग्राम के अंदर कहीं पे भी किसी पॉइंट के ऊपर भी कोई भी डाउट हो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा बिकॉज अगर आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर है दिस मीन्स आपको ये टॉपिक क्लियर रहेगा।
लेट्स टॉक अबाउट ए सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. अगेन यू आर हैविंग बच्चों वन सेंडर एंड यू आर हैविंग बच्चों वन रिसीवर. इन एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द रिसीवर साइड. रिसीवर जनरेट करता है बच्चों दो कीज. वन ऑफ द कीज इज कॉल्ड पब्लिक की एंड अनदर की बच्चों इज कॉल्ड प्राइवेट की. तो रिसीवर जनरेट टू कीज. वन ऑफ देम बच्चों इज पब्लिक की एंड द अदर वन इज द प्राइवेट की. ये दोनों कीज बच्चों क्या होती हैं? दे बोथ आर मैथमेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर. सो बोथ द कीज बच्चों आर मैथमेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर. अब बच्चों आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है. आपका रिसीवर सेंड करता है अपनी पब्लिक की सेंडर को. सेंडर साइड पे बच्चों आपके पास अगेन यू आर हैविंग द प्लेन टेक्स्ट. अब्दुल्ला प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? अब्दुल्ला ही नाम था ना तुम्हारा. प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ओरिजिनल डाटा. तो आप लोगों को बच्चों जो ओरिजिनल डाटा होता है वी कॉल दैट डाटा इज प्लेन टेक्स्ट. इस प्लेन टेक्स्ट को बच्चों आप लोग एनक्रिप्ट करेंगे विद अ की. कॉमन सेंस, कौन सी की से एनक्रिप्ट करेंगे? किसकी पब्लिक की? रिसीवर की पब्लिक की से. अब आप लोग क्या करेंगे? इसको एनक्रिप्ट करेंगे. तो बच्चों आप लोगों ने इसको एनक्रिप्ट करा यूजिंग पब्लिक की. But this time the public key was of the receiver. तो आपने receiver की public key से क्या करा? इसे encrypt कर दिया. अब बच्चों आपके पास क्या obtain हो गया? Cipher text. आप लोगों ने बच्चों ये cipher text क्या करा? Send करा to the receiver. To the receiver. अब बच्चों इस साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट कौन सी की से करेंगे आप लोग? प्राइवेट की से आप लोग डीक्रिप्ट करेंगे. तो बच्चों सिर्फ यही प्राइवेट की इसको डीक्रिप्ट कर सकती है. कोई और प्राइवेट की इसको डीक्रिप्ट नहीं कर सकती आपके पास. एंड जी रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ और रिसीवर की प्राइवेट की से क्या हो गया? या आपके पास डीक्रिप्ट हो गया. एंड अगेन बच्चों यू विल ऑब्टेन प्लेन टेक्स्ट. देखो हैकिंग जब कर रहे होते तो आपका डाटा ट्रेवल कर रहा होता है फ्रेम्स के अंदर.
तो अभी जो एल्गोरिथम डेवलप हो रहा है MD5 फॉर गवर्नमेंट डेवलप हो रहा है, तो MD5 के अंदर ही क्या करेंगे, वो एल्गोरिथम के अंदर ही वो बोलेंगे ये पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट करके दो मुझे, तो खुद ही वो जनरेट करके देगा, वो फिर टेस्ट करते रहेंगे, वो नहीं हुई फिर दूसरी लगाएंगे, फिर तीसरी लगाएंगे, फिर चौथी लगाएंगे, फिर उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उनके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो सारे पैटर्न क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई पैटर्न जहां पे हिट कर गया दे हैव द की डिक्रिप्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन अगेन इट टेक्स टाइम, 3 दिन 4 दिन लगते हैं आपके पास डिक्रिप्ट करने के अंदर सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, तो अब हल्के हल्के डाटा इतना ज्यादा सिक्योर होता जा रहा है कि अब इट्स नॉट एन इजी जॉब, आसान जॉब नहीं आपके सिस्टम को हैक करना, आपके सिस्टम को डाटा को डिक्रिप्ट करना आसान नहीं है। वो भी पढ़ेंगे अभी अगले टॉपिक हमारा, दैट इज कॉल्ड बच्चों SSL। SSL जब हम लोग पढ़ेंगे या डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि हाउ डाटा इज बीइंग एन्क्रिप्टेड एंड टू एंड एन्क्रिप्शन किस तरह आप लोग क्रिएट करते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भाई क्लियर है, पब्लिक रिसीवर ने दो कीज जनरेट करी, वन वाज पब्लिक एंड द अदर वन वाज प्राइवेट, पब्लिक की बच्चों इज नोन टू एवरीवन बट प्राइवेट की वो अपने पास ही रखता है, पब्लिक की बच्चों सेंडर को सेंड करी, आपका डाटा एन्क्रिप्ट हुआ यूजिंग द पब्लिक की, साइफर टेक्स्ट हुआ आपने सेंड करा, और बच्चों ये साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट हो जाएगा यूजिंग द पब्लिक प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों डिजिटल सिग्नेचर्स, देखिए रिमेंबर वन थिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स का एनक्रिप्शन से कोई रिलेशनशिप नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर्स का मेन काम है बच्चों, दो मेन काम है कि आपके डेटा के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन ना हो, कोई चेंजेस ना हो, और यूजर और सेंडर को ऑथेंटिकेट करना। अगर बच्चों आप लोग बैंक जाते हैं, बैंक में जाके अब्दुल्ला ने 10 लाख का चेक काट के दिया, तो बच्चों वो चेक पे क्या करते हैं, साइन करते हैं, तो बच्चों आपका जो बैंकर होता है वो साइन से ऑथेंटिकेट करता है कि भाई ये बिल्कुल सही बंदा है। तो बच्चों सिमिलरली डिजिटल सिग्नेचर्स भी क्या करते हैं, आपके बंदे की आपकी आईडी की ऑथेंटिकेशन को प्रूफ करवाते हैं कि भाई ये जो बंदा क्लेम कर रहा है कि वो अब्दुल्ला है या रुजैन है तो वो है भी या नहीं, तो ये कौन वेरीफाई करेगा बच्चों आपके पास, डिजिटल सिग्नेचर्स वेरीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगेन बच्चों यू आर हैविंग टू थिंग्स, वन ऑफ देम बच्चों इज सेंडर एंड द अदर वन इज रिसीवर। यहां पे बच्चों द सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट, यहां पे अच्छा एग्जाम में सवाल आते हैं बहुत दफा कि पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज डिजिटल सिग्नेचर्स में कौन जनरेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पे की पेयर कौन जनरेट करेगा, सेंडर करेगा। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में किसने जनरेट करी थी, रिसीवर ने जनरेट करी थी। तो बच्चों अगेन वी आर हैविंग ये आपके पास एक पब्लिक एंड एक प्राइवेट की का पेयर क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। सेंडर बिफोर द सेशन स्टार्ट्स पब्लिक की को बच्चों ट्रांसमिट कर देता है टू द रिसीवर। अब आपके पास बच्चों आपका डेटा होता है, आप डेटा को बच्चों एक एल्गोरिथम से पास करते हैं, एंड दैट एल्गोरिथम बच्चों इज कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिथम। क्या कहलाता है ये एल्गोरिथम भाई, हैशिंग एल्गोरिथम। ये हैशिंग एल्गोरिथम क्या करता है बच्चों, ये आपके डेटा के लिए एक एक
हैश जनरेट करता है, या फिर बच्चों हम हैश को एक और वर्ड से भी कॉल करते हैं, हम इसे कहते हैं बच्चों डाइजेस्ट एज वेल। ये हैश या फिर डाइजेस्ट क्या चीज है ये आप लोग को पता होना चाहिए। दिस इज अ यूनिक पैटर्न फॉर एवरी डेटा। ये हर डेटा के लिए बच्चों एक यूनिक पैटर्न होता है। अगर इस डेटा के अंदर मैं एक डॉट का भी चेंज करूंगा तो बच्चों द वैल्यू ऑफ हैश विल बी चेंज्ड। ठीक है, अब वो हैशिंग एल्गोरिथम किस तरह हैशिंग अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें उस साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। अगेन स्टार्टिंग से अगर बात करें, यहां पे सेंडर ने बच्चों दो कीज जनरेट करी, वन वॉज पब्लिक एंड अदर वन वॉज प्राइवेट। कौन सी की सेंड करी रिसीवर को, पब्लिक सेंड कर दी, प्राइवेट अपने पास रखी। डेटा को पास करा किससे, हैशिंग एल्गोरिथम से। हैशिंग एल्गोरिथम में क्या जनरेट करा, हैश या डाइजेस्ट। हैश होता क्या है, इट्स अ यूनिक पैटर्न फॉर एवरी डेटा। अब बच्चों इस हैश को हम लोग क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। इस हैश को बच्चों हम लोग एनक्रिप्ट कर देते हैं विथ द प्राइवेट की। हम अपनी प्राइवेट की से बच्चों इसको एनक्रिप्ट करते हैं, तो आपके पास क्या आता है यहां पे, यू रिसीव एनक्रिप्टेड हैश। या फिर बच्चों आप लोग एनक्रिप्टेड हैश को एक और नाम से भी कॉल करते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर्स। तो डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, दे आर सिंपली एनक्रिप्टेड हैश। तो डिजिटल सिग्नेचर्स बच्चों आर सिंपली एनक्रिप्टेड हैश। अब आप लोग दो चीजें रिसीवर को सेंड करते हैं, जबरदस्त, तुम्हें कैसे पता। तो बच्चों आप लोग दो चीजें सेंड करते हैं अब रिसीवर को, वन ऑफ देम बच्चों इज डिजिटल सिग्नेचर एंड द अदर वन बच्चों इज डेटा। देखिए मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे डेटा कोई एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर रहा। आपको एनक्रिप्शन करनी है अलग से करें, डिजिटल सिग्नेचर्स का एनक्रिप्शन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एनक्रिप्शन अलग है, डिजिटल सिग्नेचर्स अलग ट्रेवल कर रहे हैं। अब बच्चों ये आपके पास ट्रेवल करते हुए रिसीवर के पास पहुंचे, अब रिसीवर साइड पर आप लोगों ने क्या करा, आपने बच्चों डिजिटल, या चले मैं दूसरा नाम लिख रहा हूं, आपने एनक्रिप्टेड हैश को डिक्रिप्ट करा यूजिंग विच की, नो प्राइवेट तो है ही नहीं, यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द सेंडर आपने इसको डिक्रिप्ट करा। अगर बच्चों ये आपके पास डिक्रिप्ट हो गया तो दिस मींस, इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब है बच्चों कि आपका जो रिसीवर है, सेंडर एंड रिसीवर्स, तो यहां पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सेंडर, सेंडर साइड का क्या चीज आ जाएगी, हम किस चीज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, डेटा तो कर ही नहीं रहे बेटा, हैश, तो सेंडर साइड का हैश आ जाएगा आपके पास। हमने हैश को एनक्रिप्ट करा था ना, तो सेंडर साइड का आपके पास हैश आ गया। और बच्चों अगर ये डिक्रिप्ट हो गया, दिस मींस सेंडर एंड रिसीवर आर ऑथेंटिक। लेकिन कहानी बच्चों यहां पे अभी खत्म
नहीं होती। आगे कहानी बढ़ती है एंड अब आप डेटा को अगेन पास करते यूजिंग थ्रू हैशिंग एल्गोरिथम। सेम हैशिंग एल्गोरिथम से बच्चों आप लोग क्या करते हैं, डेटा को पास करते हैं रिसीवर साइड पे। अगेन क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, खुद ब खुद ही एनक्रिप्टेड हो जाएगा भाई, वो हैश मिल जाएगा सिर्फ। तो बच्चों आपने इसको पास करा, आपको क्या मिला, आपको अगेन हैश मिला, लेकिन दिस टाइम द हैश इज एट द रिसीवर्स एंड। कॉमन सेंस की बात बताएं, अब मैं किसको किससे कंपेयर करूं, दोनों हैशेस को कंपेयर कर लूं, अगर ये दोनों हैशेस इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, ऑथेंटिक तो मैं कर चुका हूं, टैग सेम है, कोई डेटा के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई ऑल्टरेशंस नहीं हुई, आपने जो डेटा सेंड करा था वही डेटा आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। सो बच्चों अब मैं इसको कंपेयर करूंगा विद हैश, सॉरी विद द सेंडर साइड, आगे पीछे कहीं बना लो इसको। और बच्चों अगर ये इक्वल है, दिस मींस नो ऑल्टरेशंस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, नो ऑल्टरेशंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो अब बच्चों आप लोग जरा रीकैप तो करवाएं, किया क्या आप लोगों ने, स्टार्टिंग से करते हैं, जरा वापस से रीकैप करते हैं पूरी प्रोसेस। सेंडर ने दो कीज जनरेट करी, पब्लिक एंड द प्राइवेट, कौन सी की सेंड कर दी रिसीवर को, पब्लिक, प्राइवेट अपने पास रखी, डेटा था, डेटा को पास किससे करा, हैशिंग एल्गोरिथम से, हैशिंग एल्गोरिथम ने क्या जनरेट करा, हैश का अनदर नेम एनक्रिप्टेड नहीं होता भाई, एनक्रिप्टेड बाद में होता है, डाइजेस्ट भी कहते हैं या फिर हैश भी कहते हैं। हैश होता क्या है, इट्स अ यूनिक पैटर्न फॉर एवरी डेटा, अगर आप डेटा में एक डॉट का भी चेंज करेंगे आपकी हैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आपने हैश को एनक्रिप्ट करा यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, क्या मिला, एनक्रिप्टेड हैश मिल गया आपके पास, आपने एनक्रिप्टेड हैश भेजा अलोंग विद डेटा टू द रिसीवर, रिसीवर ने क्या करा बच्चों, एनक्रिप्टेड हैश को पब्लिक की ऑफ द सेंडर से डीक्रिप्ट करा, अगर डीक्रिप्ट हो गया सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर ऑथेंटिक। फिर बच्चों आपने डेटा को अगेन पास करा यूजिंग द सेम हैशिंग एल्गोरिथम, आपको अगेन क्या मिला, हैश मिला बट एट द रिसीवर एंड। आपने बच्चों रिसीवर हैश और सेंडर हैश को कंपेयर करा, अगर ये दोनों कंपेयर हो गए दिस मींस नो ऑल्टरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द डेटा, और आपका डेटा भी क्या है, ऑथेंटिक है, आपका डेटा के अंदर कोई चेंजेस आपके पास नहीं हुए। एंड दिस वॉज बच्चों ऑल अबाउट डिजिटल सिग्नेचर्स। आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है डिजिटल सिग्नेचर्स का, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का भी। आखिरी चीज है, ये भी हम कर ही लेते हैं आज, मतलब अच्छे रिदम में जा रहे हैं। तो अच्छा इसकी वर्डिंग फॉर्म जो मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, तो इसको वर्डिंग फॉर्म में भी लिख के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जब आप लोग पेपर में लिखना हो तो आप लोग अच्छी वोकैबुलरी यूज करें। ऑल्दो वोकैबुलरी सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन चले कोई आगे पीछे कुछ गलती ना कर दे तो उसको भी एक बार रीड आउट कर लेगा। मूविंग फॉरवर्ड जी, देखो हैश होता क्या है, ये एक पैटर्न होता है, एक डेटा का पैटर्न है, अगर डेटा में कोई चेंजेस होंगे तो हैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब हमने यहां पे भी एक हैश क्रिएट किया था सेंडर साइड पे, डेटा सेंड कर दिया, डेटा सेंड करने के बाद हमने रिसीवर पे भी क्या करा, सेम हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई करा और हमें रिसीवर साइड पे भी एक हैश की वैल्यू मिली। अब सेंडर की भी हैश की वैल्यू और रिसीवर की भी हैश की वैल्यू है, अगर डेटा में
जब ट्रांसमिट हो रहा था कोई चेंजेस आ गए, कोई एरर एरर्स आ गए, तो रिसीवर वाले हैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है, दिस मींस देयर वाज ऑल्टरेशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, और अगर ये इक्वल है, दिस मींस आपका डेटा पूरा आपने जो सेंड करा था वही आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ है। ठीक है, नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अगर डेटा जो सेंड और रिसीव हो गया सेम है तो ऑथेंटिक का क्या मतलब हुआ इसका, मतलब क्या मतलब, मतलब जो डेटा भेजी है, मतलब हैश अगर सेम है कंपेयर हां, तो उसका ऑथेंटिक होने ना होने से क्या ताल्लुक है? डेटा ऑथेंटिक है, डेटा के अंदर देखो डिजिटल सिग्नेचर दो चीजें वेरीफाई करता है। अब हुआ ये ऑल्टरेशन तो नहीं है, ये तो ऑल्टरेशन नहीं, ऑथेंटिकेशन में ये हो सकता है आपके पास कि लेट्स से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप हारिस को ना 2,00,000 रुपए सेंड कर दें, ठीक है, तो अब आप जब पैसे सेंड करने लगे तो अब्दुल्ला सामने आ गया, बोला मैं हारिस हूं 2, तो अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे आप देखेंगे नहीं, आपको अब्दुल्ला को 2,00,000 रुपए दे दिया, हो गया काम आपका, बाद में पता चला आपको कहा कि ये तो हारिस थे ही नहीं, तो ऑथेंटिकेशन बड़ी कंपल्सरी चीज है आपके पास। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ ये डिजिटल सिग्नेचर्स एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिर्फ ये चीजें अप्लाई नहीं होती, बैकएंड में हंड्रेड्स ऑफ एल्गोरिथम्स अप्लाई हो रहे होते हैं, चेकसम भी अप्लाई हो रहा होता है, पैरिटी चेक भी लग रहा होता है, आपके पास ARQs भी अप्लाई हो रहे होते हैं, आपके पास MD5 भी अप्लाई होता है, आपके पास IP की एन्क्रिप्शन भी अप्लाई हो रही होती है, आपके पास MPLS की टेक्नोलॉजी भी यूज की जा रही होती है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम लगाए जा रहे होते हैं, और अगर किसी एक में भी कोई भी जरा सा भी डाउट होता है तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम, सिर्फ एक चेक नहीं होता, बहुत सारे चेक्स आपके पास अप्लाई किए जाते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब लेट्स टॉक अबाउट, ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है हमारे पास, लेकिन चले स्टार्ट कर लेते हैं आज। दिस इज कॉल्ड SSL बच्चों, SSL की फुल फॉर्म बताओ, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर व्हाट? पता नहीं आ नहीं रहा इसमें, खैर बच्चों आप लोग देख सकते हैं, जो मेरी वेबसाइट sortlife.com लिखी हुई आ रही है, इसके ऊपर एक ताला बना हुआ है साथ में, दिस मींस बच्चों मैंने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑप्टेन करा हुआ है। अदनान जो ताला बना हुआ है इसका मतलब है मैंने एक सर्टिफिकेट ऑप्टेन किया हुआ है, आपको लैपटॉप में कभी मैं दिखाऊंगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो इस SSL इज एक्चुअली अ सर्टिफिकेशन, और इस सर्टिफिकेशन का ओरिजिनल नेम होता है बच्चों डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो ये SSL ही आपके पास ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। सो SSL बच्चों क्या होती है आपके पास, लेट्स राइट इट डाउन, दिस इज सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑथेंटिकेट, सेंडर एंड रिसीवर, एनक्रिप्शन ऑफ डेटा एज वेल। TLS का बच्चों आपके पास एक अपडेटेड वर्जन आता है, एंड दैट वर्जन इज कॉल्ड TLS। किसके पास क्लास में आईफोन है, किसके पास है, कौन सा मॉडल है? 6S। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, 14 Pro Max। तो बच्चों 6S इज SSL, 14 Pro Max इज TLS, सेम चीज है, सिर्फ क्या है अपडेटेड वर्जन है बच्चों ऑफ SSL।
तो अपडेटेड वर्जन ऑफ एसएसएल बच्चों क्या कहलाता है? टीएलएस कहलाता है। इसके बारे में भी नोट कर लें, दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इट्स एन अपडेटेड वर्जन बच्चों ऑफ एसएसएल। इसके बारे में एक आध बातें और भी पढ़नी है, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, अभी हम सिर्फ डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगेन एक फ्रेश पेज ओपन कर लिए, डायग्राम बनाने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। स्टार्ट करें अगेन बच्चों, आप लोग के पास कौन होता है भाई? एक सेंडर होता है, एसएसएल बोथ, एक सेंडर होता है, एक अभी तो बताए एक ही चीज है दोनों, सिर्फ अपडेटेड वर्जन है वो आपके पास। और उस अपडेटेड वर्जन में ऑफकोर्स देखिए, अब आपके पास फीचर्स आ जाते हैं अलग अलग, तो टीएलएस में एक एडिशनल फीचर होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो वो एडिशनल फीचर क्या होता है आपके पास। एंड दिस इज योर रिसीवर, बच्चों यहां पे आप लोग के पास एक वेब ब्राउजर था, आप लोग ने वेब ब्राउजर के अंदर क्या करा, एंटर करा यू आर एल। जब आप लोगों ने यू आर एल एंटर करा बच्चों, आप लोग के पास एक रिक्वेस्ट गई टू द सर्वर, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट फॉर सिक्योर पेजेस। रिसीवर इज एक्चुअली आपके पास एक सर्वर है, रिसीवर एक्चुअली क्या है आपके पास? एक रिसीवर क्या है आपके पास? एक सर्वर है। तो आपने सेंडर में क्या करा, आपने लाइक एग्जांपल यही ले रहे हैं, आप लोग शॉर्ट लाइव एक्सेस करने जा रहे हैं, आप अपने वेब ब्राउजर में एंटर करा shortlive.com, एंटर करा, जैसे एंटर करा तो बच्चों ये रिक्वेस्ट गई कि सर्वर के पास कि मैं आपके साथ एक सिक्योर पेजेस मुझे चाहिए, मैं आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, मैं आपके साथ क्या चाहता हूं? एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। सर्वर को बोलते हैं आप लोग, सर्वर बोलते हैं भाई मैं सिक्योर हूं, इसका आपको प्रूफ चाहिए, ये ले। एग्जैक्टली वो बच्चों बोलता है ये ले मेरा एसएसएल की सर्टिफिकेट की कॉपी सेंड करता है, और इसी के साथ अपनी पब्लिक की भी बोलता है सेंड कर देता है, बोलता है ये आप मेरी एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी लें और ये मेरी पब्लिक की है, मैं जो बोल रहा हूँ शॉर्ट लाइफ, तो मैं शॉर्ट लाइफ ही हूं, ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप चेक करवा लें जिससे चेक करना है। अब बच्चों आपका वेब ब्राउजर क्या करता है, इसको चेक करवाता है, किसी बच्चे को आप लोग एज्यूम करें, आपके किसी दोस्त को फील हो रहा है कि उसको लेट्स से डेंगू हो गया है, वो कहा चेक करवाएगा, क्या किस तरह चेक करेगा, लैब कौन से लैब जाओगे, इसे लैब जाओगे? मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूं कि भाई आखान नहीं जाओ, तुम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो बच्चों सिमिलरली ये जो अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ये वेरिफिकेशन करके देती है आपको, तो बच्चों उस ऑर्गेनाइजेशन को अभी मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा, कल जाऊंगा इसके अंदर। तो बच्चों आपके पास आपका वेब ब्राउजर ये सर्टिफिकेट सेंड करता है टू एन ऑर्गेनाइजेशन,
एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों इज कॉल्ड सीए. दिस इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी. तो बच्चों सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास वो बोलते भाई ये सर्टिफिकेट मेरे पास आया है, ये बोल रहे मैं शॉर्ट लाइव हूं. क्या ये शॉर्ट लाइव है? तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी वो भी बैकएंड पे जो भी प्रोसेस करता है वो करता है, चेक करने के बाद आपको बता देता है कि ये सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है या नहीं है. अगर बच्चों सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने बता दिया कि सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है तो आगे कार्रवाई होगी, वरना वहीं पर आप लोग को मैसेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि दिस करेक्शन इज नॉट सिक्योर, डू यू वांट टू कंटिन्यू. फिर वो आपकी मर्जी है. तो टॉरेंट में भी आते, वैसे भी आ जाता है. आप शॉर्ट लाइफ के ऊपर जब अगर मैं अभी सर्टिफिकेशन हटा लूं अपनी, आ जाएगा आपके पास मैसेज. तो देन बच्चों आप लोग क्या करते हो, अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट को हम डिजिटल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आप लोग का क्या है, ट्रस्टेड है. इफ दैट सर्टिफिकेट बच्चों इज ट्रस्टेड, देन आपका सेंडर क्या करता है, ये टेम्पररी कीज जनरेट करता है. तो बच्चों वी कॉल देम एज टेम्पररी सेशन कीज. जी सेशन एक्सपायर्ड वही वही बिल्कुल बिल्कुल वही चीज. तो टेम्पररी सेशन कीज बच्चों जनरेट की जाती है एट द सेंडर साइड. अब एक टेम्पररी सेशन कीज को आप लोग क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर. किससे करेंगे? किसकी पब्लिक की? कब आई? सर्वर की पब्लिक की से आप इसे क्या कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे. मैंने बताया था उसने कॉपी के साथ क्या सेंड करा था, अपनी पब्लिक की भी सेंड करी थी. तो बच्चों इस पब्लिक की हिसाब से क्या कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे. नाउ दिस एनक्रिप्टेड सेशन कीज बच्चों ये ट्रांसमिट कर दी जाएंगे टुवर्ड्स द सर्वर. एनक्रिप्टेड सेशन कीज रिसीवर बच्चों इसको रिसीव करेगा और इन सेशन कीज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा. ऑफ कोर्स इन सेशन कीज को किस से डिक्रिप्ट करेगा बच्चों, अपनी प्राइवेट की से. हाँ ये रिसीवर साइड पर आ गया. अब बच्चों अगर ये डिक्रिप्ट हो गई आपके पास, अगर ये डिक्रिप्ट हो गई तो अब डिक्रिप्ट होने के बाद आपके पास सेशन कीज आपके आपके रिसीवर के पास भी सेशन कीज आ गई. सेंडर के पास भी सेशन कीज है और रिसीवर के पास भी क्या आ गई, सेशन कीज है. तो बच्चों पहले जो एक रिस्क था आपके पास कि जब आप लोग डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो की हैक ना हो जाए, सवाल किया था रुजेन सर हैकर की हैक. तो बच्चों हमारे पास सेंडर के पास भी सेशन कीज है, रिसीवर के पास भी सेशन कीज है. अब हम लोग अपनी कीज को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, अब हम लोग अपनी कीज को ट्रांसमिट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एंड पे क्या आ गई, कीज आ गई. अब बच्चों आपका रिसीवर क्या करता है, रिसीवर ऐसे ही एक मैसेज, एक डमी मैसेज को, एक एक्नॉलेजमेंट को बच्चों क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है यूजिंग सेम सेशन कीज, यूजिंग सेम सेशन कीज. अगर बच्चों ये डिक्रिप्ट हो गया, अगर बच्चों आपके रिसीवर ने इसको डिक्रिप्ट कर लिया, रिसीव यूजिंग सेम सेशन कीज,
अगर ये डिक्रिप्ट हो जाता है बच्चों, देन यू आर हैविंग, फिर आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास एंड एंड टू एंड एनक्रिप्शन आपके पास बच्चों एस्टेब्लिश हो जाती है। अब जितना भी डेटा है बच्चों आपके पास फर्दर सेंड किया जाएगा, वो सेम सेशन कीज यूज करके सेंड किया जाएगा। जितना भी डेटा बच्चों आपके पास सेंडर और रिसीवर सेंड करेंगे, दे विल बी यूजिंग द सेम टेम्पररी सेशन कीज, जब तक आपका सेशन खत्म नहीं हो जाता। अदनान रीकैप करें, जरा रीकैप कर लें। सेंडर ने यूआरएल के एंटर करा, रिक्वेस्ट गई किसके पास, सर्वर के पास। क्या रिक्वेस्ट थी, मैं आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। कैसा कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन। सर्वर बोलता है भाई मैं सिक्योर बंदा हूँ, आप मेरा सर्टिफिकेट देख लो, अलोंग विद द सर्टिफिकेट मेरी क्या ले लो, आप पब्लिक की ले लो। वेब ब्राउजर बच्चों सीएस को रिक्वेस्ट करता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, ये सर्टिफिकेट चेक करके बताओ ऑथेंटिकेट, यानी अगर ये सर्टिफिकेट ट्रस्टेड होता है, ऑथेंटिकेट होता है, तो सेंडर जनरेट करता है टेम्पररी सेशन कीज। इन टेम्पररी सेशन कीज को हम सर्वर की पब्लिक की से क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं। आपका सर्वर अपनी प्राइवेट की से इनको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद एक ऐसी डमी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा यूजिंग द सेम सेशन कीज। और अगर आपके सेंडर ने उसको डिक्रिप्ट कर लिया तो आपके पास एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट नहीं है सॉरी, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है SSL और TLS के बारे में, लेकिन आप लोगों को ये कनेक्शन, ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए बच्चों। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। आप लोग आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और पहले हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इसके ऊपर बातें करेंगे और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास के अंदर इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू। और मेरे पास में आगे का प्रोजेक्ट के लिए आसान की बात नहीं है।